रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। इस गायक ने एक अरसे तक बॉलीवुड संगीत की दुनिया में अपनी दिलकश आवाज का जादू बिखेरा। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत। इनकी आवाज में ऐसी मिठास थी मानो सुनने वालों के कानों में शहद घोल देती थी। मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता। क्योंकि इनकी आवाज सुनकर ऐसा घुमा होता था मानो रफी साहब गा रहे हों। तकदीर है क्या मैं क्या जानू, मैं आशिक हूं तदबीर। इनकी आवाज का जादू न सिर्फ आम सुनने वालों बल्कि खुद रफी साहब पर ऐसा चढ़ा था कि एक बार इनका गाया हुआ गाना सुनकर रफी साहब चौंक गए कि मैंने ये गाना कब गाया। तब उन्हें बताया गया कि ये आपकी आवाज नहीं है। कोई परदेसी आया परदेस में, कोई परदेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायक अनवर हुसैन की, जिनकी आवाज हूबहू रफी साहब से मिलती थी। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। अनवर ने बतौर प्लेबैक सिंगर उस दौर में बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे जब मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायकों का बॉलीवुड में सिक्का चल रहा था। ऐसे में रफी साहब जैसी आवाज के साथ उस दौर में अपना सिक्का जमाना कोई आसान काम नहीं था। संगीत को बड़े ध्यान से सुनने वाला ही इनके और रफी साहब की गायकी में फर्क बता सकता था। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। इसके बावजूद इस गायक को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उन्हें उस समय कई बड़ी फिल्मों से बाहर किया गया जब वो अपने करियर के शिखर पर थे। बाद में उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें पेट पालने के लिए बियर बार में गाना पड़ा। मुंबई का उनका अपना मकान तक जब्त हो गया। उन्हें अपना देश छोड़कर सात समंदर पार अमेरिका जाना पड़ा। आज हम आपको बॉलीवुड गायक अनवर के बारे में ऐसी ही तमाम बातें बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। 1 फरवरी 1949 के दिन मुंबई में जन्मे अनवर हुसैन को संगीत उनके पिता की देन थी। उनके पिता आशिक हुसैन सितार और हारमोनियम बजाया करते थे और संगीतकार गुलाम हैदर के असिस्टेंट हुआ करते थे। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले अनवर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देने की सोची और उस्ताद अब्दुल रहमान खान के पास संगीत की शिक्षा के लिए भेज दिया। उस्ताद अब्दुल रहमान खान वही हैं जिन्होंने दिग्गज गायक महेंद्र कपूर साहब को भी संगीत की तालीम दी थी। संगीत की शिक्षा पूरी होने के बाद इनकी आवाज़ जब कोई सुनता तो इन्हें कहता कि इनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से बहुत मिलती जुलती है। तब क्या था, अनवर ने कई कॉन्सर्ट में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने गाने शुरू कर दिए। ऐसे ही कई शादियों और पार्टियों में गाते हुए इनकी आवाज़ संगीतकार कमल राजस्थानी ने सुन ली और बड़े प्रभावित हुए। फिर क्या था, अनवर साहब को साल 1973 की फिल्म मेरे गरीब नवाज में गाना गाने का मौका मिल गया। इस फिल्म में इनके गाए हुए एक गाने कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए
कि जब मिक्सिंग हो रही थी तो उस समय उस स्टूडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब भी बैठे थे। जब उन्होंने ये गाना सुना तो वो चौंक गए और अपने सेक्रेटरी से उन्होंने पूछा कि मैंने ये गाना कब गाया। तब रफ़ी साहब को बताया गया कि ये आपकी नहीं बल्कि एक नए गायक अनवर की आवाज़ है। ये सुनकर रफ़ी साहब भी हैरान रह गए और बोले कि अगर कोई मेरे बाद मेरी जगह लेगा तो वो ये गायक होगा। लोगों ने इनकी गायकी की प्रशंसा तो की मगर उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और अनवर की गायकी फिर से संघर्ष के राह पर चल दी। साल 1977 में इनकी किस्मत एक बार फिर से चमकी जब इनकी मुलाकात मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक महमूद साहब से हुई। इनकी आवाज़ सुनकर महमूद साहब ने अपनी फिल्म जनता हवलदार में इन्हें गाने का मौका दिया। अनवर साहब के इस फिल्म में गाए गाने सुपर डुपर हिट हुए। इस फिल्म के बाद अनवर साहब को बेहद प्रसिद्धि मिली। इसके बाद इन्होंने लता जी से लेकर अलका याग्निक तक के साथ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर अनु मलिक की सुरों पर गीत गाए। उनके सुपरहिट गानों की लिस्ट में प्रेम रोग का ये प्यार था या कुछ और, फिल्म अर्पण का मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, फिल्म नसीब का जिंदगी इम्तहान लेती है जैसे बहुत से सुपरहिट गाने हैं। फिल्म सोहनी महिवाल का गाना सोहनी मेरी सोहनी, फिल्म हीर रांझा के लिए गाना रब ने बनाया मुझे तेरे लिए भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। तेजी से करियर की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे अनवर की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जब इनकी आवाज़ को बॉलीवुड ने दरकिनार करना शुरू कर दिया। ये तब शुरू हुआ जब साल 1980 में रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। अनवर उस समय खुद को रफ़ी साहब की जगह समझते हुए ज़्यादा पैसों की मांग करने लगे जिसकी वजह से उन्हें बहुत से गानों से हाथ धोना पड़ा। हर सुपरस्टार अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी निराशा का सामना करता ही है, परंतु अनवर के लिए ये निराशा काफ़ी लंबी रही और यही उनके पतन का कारण बनी। रातों रात मिली शोहरत इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार भर देती है और यही हुआ अनवर के साथ। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद जिक्र किया था कि मनमोहन देसाई की फ़िल्म मर्द के लिए उन्हें सभी गाना गाने के ऑफ़र मिले थे और उन्हें हर गाने के लिए 5,000 रुपये मिल रहे थे, परंतु उन्होंने मनमोहन देसाई से 6,000 रुपये की मांग की जिसके बाद मनमोहन देसाई ने उन्हें बाहर निकाल दिया और फिल्म मर्द के सारे गाने शब्बीर कुमार से गवा दिए। दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। इसी तरह शोमैन राज कपूर साहब ने इनसे अपनी फिल्म प्रेम रोग के सारे गाने गवाए थे, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो इन्होंने ऋषि कपूर से भी ज़्यादा पैसे मांग लिए। ये बात राज कपूर और ऋषि कपूर दोनों को ही पसंद नहीं आई और राज कपूर ने सिर्फ एक गाने को छोड़कर फिल्म के बाकी गाने सुरेश वाडकर से गवा लिए। एक और किस्सा सामने आया जब एक गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त अनवर साहब शराब पीकर पहुंच गए। उस गाने में आशा भोसले उनके साथ गाना गाने वाली थीं। जब उन्होंने अनवर को नशे में देखा तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अनवर के साथ गाने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि कई संगीतकारों से अनवर को गाना न गवाने की हिदायत भी दे डाली और इस तरह धीरे धीरे अनवर साहब फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगे। 90 का दशक आते आते जब कुमार सानू और उदित नारायण जैसे गायकों ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो फिल्मी दुनिया ने अनवर साहब से एकदम किनारा कर लिया। बॉलीवुड में काम मिलना बंद हुआ तो अनवर साहब अमेरिका चले गए। साल 2007 में अनवर ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया और बताया कि फिल्म आशिकी रिलीज होने के बाद कुमार सानू मशहूर होने लगे थे जिसके चलते वो अमेरिका चले गए।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में वो म्यूज़िक क्लासेस देने लगे और लाइव शो करने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपना म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोचा और लोन लेकर तोहफा नाम का एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाया। वो एल्बम नहीं चल पाई और अनवर लोन भी नहीं चुका पाए और उस लोन के एवज़ में इनका मुंबई का घर जब्त कर लिया गया। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बियर बार में गाना पड़ा। आपको बता दें कि अनवर फिल्म अभिनेत्री आशा सचदेवा और अभिनेता अरशद वारसी के सौतेले भाई हैं। दोनों के पिता आशिक हुसैन हैं लेकिन दोनों की मां अलग अलग हैं। मगर इनसे भी अनवर को कोई खास मदद नहीं मिली। आखिरकार ये प्रतिभाशाली गायक गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आज भी अनवर साहब स्टेज शोज में रफ़ी की यादें नाम से रफ़ी साहब के पुराने गाने गाते हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम अनवर साहब के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। अनवर जी के बारे में अपने विचार और उनका गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।